साथियों, अपना जो है प्रश्नावली 11.2 का दूसरा कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी पर क्रमशः डी व ई बिंदु स्थित है। जैसे ये त्रिभुज आपका ए बी और सी, ये डी और ई स्थित है, ठीक है ना दोस्त। निम्न प्रश्नों के में दिए गए मानों के माध्यम से डी ई समांतर बी सी होने की जानकारी दीजिए। हमें यहाँ पर दिया हुआ तो ये आपका सारा देर का है, और सिद्ध करना है या मालूम करना है कि डी ई समांतर बी सी, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका देखिए थेल्स प्रमेय जो है उसका विलोम है, अपना थेल्स प्रमेय का विलोम। वो कहता है कि अगर आपका कोई बिंदु दो रेखाओं को समानुपात में विभाजित करता है तो वो रेखाएं आपस में समानुपाती होगी। तो इस प्रकार से देखिए समानुपात में विभाजित करने का मतलब है आपका जैसे ए डी बटा डी बी और ए ई बटा सी, ये अनुपात दे रखा है। इस अनुपात को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, मैंने थेल्स पर में बताई थी पिछले वीडियो में, तब मैंने ये मान भी ज्ञात किए थे। आप उसको मैं लिंक में दे दूंगा, आप उसमें से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए डी और यहाँ ए सी बटा ए, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये अनुपात अगर हमारा बराबर आ गया इसका मतलब ये समानुपाती होगी, अगर नहीं आता है तो नहीं होगी। आपका ए बी 12 है बटा 8 है, आपका ये ए सी 18 है बटा 12 है। अब हम इसको काट लेते हैं, 4 का भाग देते 2 बार, 12 में दिया 3 बार, 6 का दिया 2 बार, 6 का दिया 3 बार, इस प्रकार से 3/2, 3/2 दोनों अनुपात बराबर है। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि डी ई समांतर है बी सी के, ये आपस में समांतर होंगे क्योंकि ये अनुपात जो आपका क्या है बराबर आ रहा है। अगर ये अनुपात बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये समांतर नहीं है, लेकिन अपने बराबर आया इसलिए ये समांतर हो गए। दोस्तों, अपना जो अगला सवाल है कि इसमें ए बी बराबर 5.6 दे रखा है, ए डी 1.4, ए सी 9 और ए 1.8 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें ये अनुपात अगर थेल्स प्रमेय के अनुसार अपना जो अनुपात है बी अपॉन ए डी और अपना ए सी अपॉन ए, ये अनुपात अगर हमारे पास बराबर बराबर दे रखे हैं तो हम यहाँ पर जैसे ये अनुपात संख्या लिखी आपके पास 5.6 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर और इधर आपका ए सी 9 है और ये आपका 1.8 सेंटीमीटर, हम यहाँ दशमलव से दशमलव हटा देते हैं, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो इसके आगे एक जीरो और लगे, ठीक है ना। आपका यहाँ से हम काटते हैं 7 से काट लेंगे या चौ चौक 56 होते हैं, 14 × 14 चौ चौक 56 और 18 × 5 90, ठीक है। ये 18 का भाग इसमें दिया 18 × 18 = 90, ये 4/5, ये दोनों अनुपात आपस में क्या है बराबर नहीं है। ये इम्प्लाइज करेगा डी ई समांतर बी सी नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अनुपात बराबर नहीं आया है इसलिए ये अनुपात ये समांतर रेखाएं नहीं होगी। पिछले सवाल में अपने अनुपात बराबर आया था तो रेखाएं क्या थी समांतर थी और इसमें नहीं है। साथियों, इसमें अपने को ए डी डी बी ए सी और ए ई दे रखा है, इसमें इसके अंदर हमें भी अनुपात को बराबर सिद्ध करना है थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो अनुपात अपना ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। अब अपने पास देखिए ए डी भी दे रखा है, डी बी भी दे रखा है और ए ई दे रखा है, ई सी नहीं दे रखा है। हम यहाँ से देखिए यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं पहले कि आपका ए सी जो है सी ज्ञात करना है,
तो आपका AC माइनस AE, ठीक है दोस्तों, AC आपका 4.8 है, ये आपका माइनस 2. तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया. सेंटीमीटर. अब हम इनमें अनुपात में रखते हैं 10.5, 4.5, AE आपका 2 आया, AE आपका 2.8 और EC आपका 2 आ गया, ठीक है ना. अब हम यहाँ से दशमलव हटा देते हैं, यहाँ 0 लग जाएगा, दशमलव से दशमलव हट गया, तो अपने पास ये 105/45, 28/20, ठीक है ना. तो अपने पास अब हम इसको काट लेते हैं, 5 से काटें 9×5=45, इसको 5 से काटेंगे, 5×2=10, 5×1=5, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3×7, इसको हम 2 से काटेंगे, 14, इसको 2 से काटेंगे, 10, इसको 2 से काटेंगे, 7 और ये 5. इस प्रकार यहाँ अपने पास क्या बच गया, 7/3 और इधर 7/7 और 5/5, जो दोनों अनुपात अपने पास क्या है, बराबर नहीं है. ये हमें बताएगा कि DE समांतर BC नहीं है, ठीक है दोस्तों. ये अनुपात बराबर नहीं होने के कारण ये समांतर नहीं है. अपना इस प्रश्न का अंतिम सवाल जो है, ये अपने को मान दे रखे हैं, हमें इसके द्वारा थेल्स प्रमेय के विलोम के द्वारा ज्ञात करना है कि ये रेखाएं आपकी समांतर है या नहीं है. इस प्रकार से आपकी ये दे रखी है, DE समांतर BC, यही हमें सिद्ध करना है. उसके लिए हम क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है, से अपने क्या लिखते हैं, AD/DB और AE/EC. AD आपका 5.7 है, DB 9.5 है, आपका 3.3 है और ये EC 5.5 है. यहाँ से हम इसके दशमलव हटा देते हैं और ये इसको अपने पास ये जो हो गया 57/95, 33/55, ठीक है ना. 11 से काटे 3 और ये 5 और इसको 19/57, 19×95. इस प्रकार से अपना अनुपात आया है 3/5 = 3/3, अनुपात सही है. ये इम्प्लाई करेगा DE समांतर BC, ठीक है ना दोस्तों. इसी साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है तो हमें फॉलो करें. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.